नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। सीबीआई ने रविवार को यानी कि 7 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी से असम के पूर्व मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया के बेटे अशोक सैकिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने 25 साल पुराने मामले में कार्रवाई की है। सीबीआई ने 9 लाख रुपए का कर्ज ना चुका पाने के मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। एजेंसी के अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी देते हुए क्या क्या कहा और इस बारे में अशोक सैकिया ने क्या कहा, जानने के लिए देखिए हमारी। एजेंसी के अधिकारियों ने इसके बारे में जानकारी दी है कि ये कार्रवाई अशोक सैकिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद की गई है। एजेंसी ने आगे बताया है कि बार बार समन जारी होने के बावजूद अशोक सैकिया अदालत के सामने पेश नहीं हो रहे थे। इस मामले पर खुद अशोक सैकिया ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। मेरे नाम से कई साल पहले से सीबीआई की कोर्ट में 2 केस रुजू हुआ था। ये 96 में हुआ था जब कांग्रेस गवर्नमेंट हट गया था, मेरा पिताजी जब देहांत हो गया था, उसके बाद में जब एजीपी की गवर्नमेंट बनी थी उस टाइम में। हम लोग समझते हैं ये पॉलिटिकल ग्राउंड के कारण से हुआ होगा, लेकिन जो भी है कोर्ट में ये केस रुजू हुआ था। उसमें से एक केस का अभी तक भी चल रहा है, जिसमें अभी कोर्ट से हमारे पास में नोटिस आया था कि अपीयर करना है और ये अपीयरेंस मुझे 9 नवंबर को करने के लिए बुलाया है। ठीक है, सीबीआई की टीम जो आया था वो इसलिए आया था कि हम यहाँ है नहीं है और हमें इनकार करने के लिए कि आपको अपीयर करना है। जहाँ तक केस की मामला है, ये एक लोन केस था जो बैंक से लोन लिया गया था मेरा एक कंपनी, उस कंपनी ने लोन वापस भी कर दिया और बैंक से हमारे पास में चिट्ठी भी आ गया है जो कि हम कोर्ट में पेश करेंगे। हमारा साथ में बैंक से भी ये पेश अगर हो जाएगा तो ये केस अपने आप ख़त्म हो जाएगा, इसमें कोई दम नहीं रहा। एक नंबर। दूसरा जो केस हुआ था जिसका एक हियरिंग जजमेंट हुआ था, उसका अगेंस्ट में हमने अपील करके रखा है। आपको बता दें कि इस मामले में अधिकारियों ने कहा कि अशोक सैकिया से सीबीआई की गुवाहाटी टीम ने पूछताछ की है, अभी उन्हें सीबीआई ने अपनी गिरफ्त में रखा है। सीबीआई अधिकारी अशोक सैकिया को सीबीआई की टीम ने आज अदालत के सामने पेश किया। समाचार एजेंसी की एक रिपोर्ट की माने तो अशोक के बड़े भाई और असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया ने बताया कि अशोक को सीबीआई अधिकारियों की एक टीम ने रविवार की शाम को गिरफ्तार किया था। देवव्रत सैकिया आगे बताते हैं कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। उनके वकील की रिपोर्ट के अनुसार सीबीआई को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर वाकई में अशोक सैकिया बेगुनाह है तो सीबीआई की जान से इतना डर कैसा। अभी के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद।